और अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड का बड़ा फैसला सामने आया है। मदरसों को मॉडर्न बनाने की तैयारी में वक्फ बोर्ड नजर आ रहा है। उत्तराखंड के मदरसों में अब मंत्र और श्लोक गूंजते नजर आएंगे, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर यहां संस्कृत पढ़ाई जाएगी। 6 साल पहले मदरसों में आपको बता दें संस्कृत पढ़ाने की मांग की गई थी, और ऐसे में अब ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां अब मदरसों में संस्कृत के श्लोक गूंजते हुए नजर आएंगे। तो उत्तराखंड के मदरसों में नई दिशा की ओर कदम बढ़ाते हुए संस्कृत के श्लोकों की शिक्षा प्रारंभ करने की योजना बनाई जा रही है। और उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड ने आपको बता दें कि एक बड़ा कदम उठाते हुए मदरसों में भी संस्कृत पढ़ाए जाने का ऐलान किया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए ये निर्णय लिया है कि प्रदेश में मदरसों में संस्कृत की शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। ये पहल बच्चों के कौशल विकास के लिए की गई है, ताकि उन्हें एक समृद्ध और विविधतापूर्ण शैक्षिक अनुभव मिल सके। इस निर्णय में राज्य के मदरसे में शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि 6 साल पहले मदरसा वेलफेयर सोसाइटी ने उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की मांग उठाई थी। उस समय प्रदेश के त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम थे। उस समय तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मदरसों में संस्कृत पढ़ाने से इनकार करते हुए मांग की कि ये अव्यवहारिक है। और उसके बाद लेकिन अब ये बड़ा फैसला मदरसा बोर्ड की तरफ से लिया गया है, जहां अब उत्तराखंड के तमाम मदरसों में जहां पर केवल इस्लामिक शिक्षा जो है वो दी जाती थी, वहां अब संस्कृत के मंत्र और श्लोक गूंजते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब बच्चों के पास संस्कृत पढ़ने का भी ऑप्शनल विकल्प होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के मदरसों में नई दिशा की ओर कदम बढ़ाते हुए संस्कृत के श्लोकों की शिक्षा प्रारंभ करने की योजना बनाई जा रही है। ये योजना उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड द्वारा शुरू की गई है, और इसमें अरबी भाषा की शिक्षा भी दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि हम कोई चीज उनके ऊपर ये नहीं है, ये ऑप्शन के तौर से हम प्रेरित करेंगे, और उसका हम उदाहरण के तौर से आपसे ये कह सकते हैं कि सरकारों का जो काम होता है वो प्रेरित करने का होता है, उसके उसकी अच्छाइयां बताने का होता है। हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। पहले एक जमाने में क्या था कि अगर आपको याद हो कि लोग पोलियो की खुराक नहीं पिलाते थे, और इसी तरह से कन्या भ्रूण हत्याएं थी, इसी तरह से ये जनसंख्या का भी जो मामला है, जो ये विस्फोटक जनसंख्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, हमने उस जमाने के अंदर लोगों को प्रेरित किया कि पोलियो की खुराक नहीं पिलाते थे कि इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे। समाज में अगर आपका ये मैसेज है कि आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप समाज के लिए हानिकारक नहीं है, आप उनके हितैषी हैं, तो वो लोग मानेंगे।